हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आज के ऑल इंडिया स्पीटर डिस्कशन में। तो आज बारी है एसटी नंबर 0-2B की। तो सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप, ठीक है। देरी न करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से अभी हमने 3 से 5 वाली जो क्लास थी उसमें इसके बारे में बताया भी था, हाँ पिछली ही क्लास में बताया था। तो इन सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, एंगल एट इन सेंटर, इंटरनल एंगल बाई सेंटर का मीटिंग पॉइंट है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल बी और सी का जो समद्विभाजक है वो ऊपर जाकर मिल रहा है, तो अगर बी ए सी 50 है तो बताओ एंगल बी ओ सी क्या होगा। तो ये हमेशा क्या होता है, 90 प्लस वर्टेक्स एंगल का हाफ। तो ये हमेशा होता है 90 डिग्री प्लस वर्टेक्स एंगल 50 डिग्री है का हाफ। तो ये 90 प्लस 25 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 115 डिग्री। फिगर पे अगर ध्यान देना चाहें तो फिगर भी बना सकते हैं, इसका बाईसेक्टर और इसका बाईसेक्टर आकर पॉइंट ओ पे मिल रहा है, ठीक है ना। ये ए बी सी अगर ट्रायंगल है आपका, तो अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये वाला एंगल हमेशा क्या आता है, 90 प्लस थीटा बाई 2। तो थीटा की जगह हमें जो दिया गया है उसको रख दिया 50 डिग्री। फिगर से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। इन सेंटर की बात हो रही है, उसको ओ नाम दिया गया इसमें, ठीक है। तीसरा अगर ड्रॉ करते तो वो भी यहीं से गुजरता है ना, तीसरा अगर ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। चलो अगला वाला देखते हैं। ₹15,000 जो है 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिया गया, डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। तो 3 साल का स्लैब बना के काम कर लो बेटा, अभी हाल ही में क्लास में हुआ ही भी था ये, ठीक है ना। कैलकुलेशन बस थोड़ा रेडी रखना, ठीक है ना। तो ये 15,000 है, 3 साल का स्लैब बना, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है ना। स्लैब बनेगा एक, एक का दुगना 2 और 2 का दुगना 4, ठीक है ना। तो इसका 16% निकालना, तो 16% निकालेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 16 × 5 = 80, 2400 आ जाएगा। फिर इसका 16% निकालें, ठीक है ना। फिर से अगर हम 16% निकालेंगे तो 24 गुणे हमें 16 करना होगा, 16 × 32, 16 × 4 = 64, 384 कितना हो जाएगा, ये 384 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से आप 384 का 16% निकाल लीजिए अब, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट में ले आना है, ऑप्शन दिख ही रहा है आपका। तो 384 का अगर 16% करेंगे तो बाद में हम जब भी क्या करेंगे पॉइंट खिसका देंगे, 16 × 3 = 48 के आगे 2 जीरो, 16 × 8 कितना होता है, 8 × 80 = 8 = 1 मिनट क्या किया मैंने, हाँ ठीक है। फिर क्या होता है, 16 × 8 कर लो तो ये हो जाएगा 128 पे 10, 128 पे 10 लगाना होगा, ठीक है ना। 16 × 8 = 128 पे 10 और 16 × 4 = 64, ठीक है। 4 × 8 = 14 1 8 × 10 = 11 1, 4 × 1 = 5 5 × 6 दो पॉइंट भी लगा दें क्योंकि परसेंटेज 61.4 क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू 1/100 भी होगा ना। ये कैलकुलेशन हो गया पूरा, बाकी वैल्यू आपको मालूम है कौन कौन सा सेम होता है, ये भी 384, ये भी 384 है, ये भी आपका 2400 है और ये भी 2400। तो बेटा हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है, गौर करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है, किसका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। अगर डिफरेंस निकालेंगे बेटा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इन्हीं दोनों का सम आपका आंसर आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 और पॉइंट, तो 4 में से 1 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 323.44 कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो एक बार कैलकुलेशन को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, 16 × 32 और 16 × 4 = 64, तो 4 × 6 = 8 384, ठीक है। क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है, फॉर द सेकेंड ईयर एंड फॉर द थर्ड ईयर। तो ये तो कट ही जाएगा यार, अगर हम माइनस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। और फॉर द सेकेंड ईयर, अच्छा चलो 16 160 हुआ था, ठीक है ना, 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 80, 0 8 6 14 1 और 2 सही तो था,
और ये किया, 3 जीरो में से 1 जीरो बच जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा 2400। ठीक है, अब इसको फिर से आप जोड़ कर देख लो, मैंने घटा दी तो मैंने घटाया क्यों दे? ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ देना है, डिफरेंस ही निकालना था तो यही दोनों बचेगा, हम घटाए क्यों? ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 0.415, 8 से 14 1, और 3 1 4, 445.44। जो कि सही किया है, सब कुछ सही किया। तो इनको क्या करना है, जोड़ देना है, समझ में आ गई बात? इनको बस ऐड कर देना था, क्योंकि तो डिफरेंस निकालेंगे, ये दोनों कटेगा यही दोनों बचेगा। अगला ही है, एक सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल एबीसी में, टच कर रहा है ए बी को, ठीक है ना, क्या हो गया, आ गया। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल एबीसी में, मतलब सर्कल जो है ट्रायंगल एबीसी के अंदर है, ठीक है ना, तो ए बी और सी। एक सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल एबीसी में टच कर रहा है ए बी को पी पे, ए बी को पी पे, बी सी को क्यू पे और ए सी को आर पे। ए आर 5 है, आर सी 6 है, ए बी 12 है, ए बी ये पूरा है, ये पूरा 12 है, और पेरीमीटर ए बी सी का निकालना है। तो बेटा हो तो गया फिर, ए बी सी का पेरीमीटर निकालना है। तो बेटा ये बताओ, ये 5 है, देखो ये बाहरी बिंदु हो गया तो बाहरी बिंदु से टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, इसी तरह ये बाहरी बिंदु हो गया तो टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर, बाहरी बिंदु है तो टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर, ये 6 है तो ये भी 6, ये 5 है तो ये भी 5, तो कितना हो जाएगा, 12 - 5 हो जाएगा। इसको निकालना है ना, इस वजह से माइनस करना पड़ रहा है, तो 12 - 5 कितना, 7, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 7, तो ये पूरा हो जाएगा 6 + 7 = 13, और ये पूरा 6 5 = 11, बस सबको जोड़ दीजिए 12 11 और 13 को, तो 12 + 11 + 13, ठीक है ना, तो बस 3 3 6, 1 1 2, 2 1 3 4, 46, 3 दे तरीके 36 ना, 36, हाँ ये क्या है सेंटीमीटर में, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला चले नेक्स्ट। इसमें क्या दिया गया है, एक शॉपकीपर ने अपना सामान 40% बढ़ा रखा है कॉस्ट प्राइस पे और डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो बताओ मार्क ऑन द मार्क पर गेन और लॉस परसेंट। आप नेट इफेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि सक्सेसिव का केस है, ठीक है ना, तो 2/5 बढ़ा रखा है और 1/4 का डिस्काउंट दे रहा है, तो इनिशियल हो जाएगा 5 × 4 और फाइनल हो जाएगा 5 + 2 = 7 और 4 - 1 = 3, ठीक है ना, कुछ कटेगा नहीं, तो 20 से 21 हो रहा है, कितना बढ़ा है 1, किससे बढ़ा है 20 से, × 100, तो नेट प्रॉफिट परसेंट यही कहलाएगा जो बढ़ा है, प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सीधे सी पी और एस पी का रेशियो निकाल लिया है, ये इनिशियल वाला ये सी पी आएगा और ये फाइनल वाला एस पी आएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5% का प्रॉफिट, प्रॉफिट रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 54, आगे चल। इनकम ए का 50% ज्यादा है बी से, तो बेटा सीधे रेशियो लिखिए, तो ए का इनकम 1/2 ज्यादा है बी से, यानी 3:2 का रेशियो हो जाएगा,
और इनकम जो ए का है 40% बढ़ता है और इनकम जो बी का है वो 90% बढ़ता है, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो ये एक काम करो, एलिगेशन लगा लो, क्या है, ए में आपका 40% बढ़ रहा है, बी में आपका कितना बढ़ रहा है 90%, तो बताइए कि ओवरऑल कंबाइंड चेंज क्या होगा। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि 3:2 रेशियो लाना, तो यहाँ क्या रख दे कि 3:2 आ जाए। देखो ये लग रहा है पॉसिबिलिटी, अगर हम यहाँ पे 60 रख दें, 60 रख दें तो देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 30 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस 20 आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60%, ठीक है ना, क्योंकि 3:2 का रेशियो बन रहा है ना बेटा एलिगेशन से। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है, आगे चलते हैं। इसको एक बार मैं रीराइट कर देता हूँ, फिर बात करते हैं। 5 + 3 multiplied by 1/5 multiplied by 5, फिर आगे क्या है, डिवाइड यानी नीचे आएगा, नहीं ऑफ है वहाँ तो खतरा बढ़ जाएगा, तो 3 multiplied 1/3 ऑफ 6, फिर से ऑफ है, और 4 multiplied 4 multiplied 1/4 ऑफ 4 + 4 multiplied 1/4 into 4, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से ये कट जाएगा, ब्रैकेट का है तो 6 ऑफ, यहाँ से ये कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, ये कटा, अगर इसको भी पहले करते तो कोई दिक्कत नहीं है, कट ही रहा है, इसको ऑफ भी पहले अगर हम करते हैं, लेकिन ये टेक्निकली सही नहीं है इसलिए मैं उधर का पहले काटूंगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही आना है, लेकिन 4 multiplied 1/4 तो ऑफ वाला पहले ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना, तो चलो 1 हो गया, 4 × 16, ये 16 हो गया, और यहाँ से ये 4, 16 × 4 कितना हो गया, 16 × 4 = 20 हो गया, ये हो गया 20। अब बेटा ऑफ पहले करेंगे, 8 / 120, 8/120, 15/120, अब क्या हुआ भाई, अब कहाँ गलत हुआ, अब देखो कहाँ गलत हुआ भाई, ओहो बीच में हमने प्लस लगा दिया, वो ऑफ छूट गया, नहीं यहाँ पे गड़बड़ी की है, ये जो हमने किया ऑफ करने की बात करना है, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है बेटा, वो ऑफ वाला जो बात नहीं कर रहा था, ठीक है ना, सीधे हमने डिवाइड में चेंज कर दिया, वो गड़बड़ी है, ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पे ये बनेगा divide by 4 of 4, तो 4 of 4 पहले लिखेंगे, 4 of 4 कितना हो जाएगा 16, और ये प्लस, तो ये बाकी ये ठीक था, ठीक है ना, यहाँ पे तो ठीक था, ये 5 × 3 = 8 आ गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 × 3 कट गया, नहीं देखो यहाँ पर भी गलती हो गई, 1 मिनट, ठीक ऑफ पहले करना है भैया, सब सारे ऑफ वाले गड़बड़ा दिए गए हैं, तो देखो यहाँ पर ऑफ है 6 × 3 = 18, ठीक है ना, यहाँ पर ऑफ है 4 × 16, अब सही है, और यहाँ पे कहीं ऑफ है नहीं, तो ये हो जाएगा 5 + 3 multiply 1/5 multiply 5, अब ये ठीक है, ठीक है ना, डिवाइड, और ये 3 multiply 1/18, अब ये ठीक है, अब ये 4 multiply 4 और डिवाइड 16 है, multiply 1/16 + 4 multiply 1/4 into 4, अब सही है बेटा ये, ठीक है, ऑफ को पहले निपटाना है भाई, नहीं तो देख रहे थे ना गड़बड़ी हो रही थी, ठीक, अब यहाँ पे आप काम कर लीजिए, 5 5 कट जाएगा, 5 × 3 = 8, डिवाइड 3 × 6 = 18, ठीक है ना, ऑफ, और 4 × 16, ये 1 हो गया और ये 4 कट गया, 4 × 1 = 5, तो ये हो जाएगा 8 / 5/6, यानी कि 8 multiplied by 6/5, 6 × 8 = 48, 48/5, 5 × 8 = 5, 45, 9 सही, 3/5, खतरनाक, ऑफ पहले करना था भैया, हल्के में लेना, यही दिक्कत हो जाता है। चलें आगे, ऑफ को पहले निपटाओ भाई, नहीं गड़बड़ा जाएगा, ठीक
ठीक है ना, तो 9 से ही 3/5 आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे x बराबर ए प्लस 1/a है और y बराबर ए माइनस 1/a है, और आपको स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान बताना है। इसको पहले देखो तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट निकाल कर, यानी कि ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। एक्स का मान कितना है ए प्लस 1/a, वाई का मान कितना है ए माइनस 1/a, यही ना। ओके, इसी तरह एक्स का मान कितना है ए प्लस 1/a और ये माइनस ए प्लस 1/a हो जाएगा। तो 1/a कट गया 2a और वहाँ पे a कट गया 2/a हो जाएगा, a कट जाएगा, दो दूनी 4। ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला, चेक कर लो। अगला चले, नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल बेचा 8% के लॉस पे, अगर वो उसको 10.5% के गेन पर बेचता ठीक है ना, तो उसको 92.50 ज़्यादा रिसीव होता, तो 12% गेन पे कितने में बेचे। तो बेटा 8% से लॉस, 8% लॉस से 10.5% गेन आने में कितना बढ़ा, 8 जोड़ दीजिए क्योंकि लॉस से प्रॉफिट की तरफ गया, 18.5% की बढ़ोतरी हुई सेलिंग प्राइस में, लेकिन रुपये में कितना बढ़ा, 92.50। तो हम क्या कहेंगे, 92.50 परसेंटेज में कितना है, 18.5। और बेटा सीपी को 100 मान के चले हैं तो 12% के गेन पर एसपी क्या होगा बेटा, 112। तो 112 की वैल्यू निकाल लीजिए, 18 × 5 = 90, ये 5 बार में कट रहा है तो 500 × 12 = 60, 560 रुपया। ठीक है, 560। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। इसको देखो बेटा, इसको तो आप वेल नोन आइडेंटिटी है, फिर भी मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और फिर क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c। ठीक है ना, तो ये देखो थोड़ा सा क्या बन जा रहा है, दो कॉमन आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, अगर आप देखेंगे तो दो कॉमन आ रहा है और अंदर, क्योंकि दो बार ए स्क्वायर है, दो बार क्या ए स्क्वायर है, दो बार बी स्क्वायर है और दो बार सी स्क्वायर है, और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो ab bc और ca दो देखो कॉमन कर लिया है, और ये दो कैंसिल कर देगा यहाँ से। तो देखो अब क्या क्या मान मालूम है, ए स्क्वायर वाले का मान मालूम है ना, जो नहीं मालूम है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मान कितना दिया है 20, और क्या ab bc ca का माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो माइनस कॉमन कर लिया तो ये सब प्लस बन जाएंगे, तो इसका मान दे रखा है कितना 8। ठीक, तो इसी की वैल्यू निकालें तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी और इंटू 20 - 8 कितना हुआ 12, 20 - 8 देखो कितना हो गया 12, यानी हमें कुल मिला जुला के ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिससे हम ये मान निकाल लेंगे। हमें मालूम है, साइड में कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, टू कॉमन कर ले ab bc ca, यानी कितना 8।
तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 8 दूनी 16 यानी ये 36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 36। हाँ ठीक है, क्या होगा ये देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि 20 दिया है, फिर 2 कॉमन और ए बी बी सी सी है जो कि आपका 8 है। ठीक है, तो ये हो गया क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते हैं 6, निगेटिव वाला नहीं, तो यहीं पे हम लोग 6 रख देते हैं, यहीं पे क्या रख दें 6 रख दें, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 12 72। देख लीजिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल है, बनाते हैं एक ट्रेपेजियम। ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल हैं। आगे का सिचुएशन, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे, यहाँ तक गया है, ठीक है दोबारा नहीं बना रहा हूँ, यहीं तक गया है ठीक, और ये P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिख लेते हैं AP, ये है 3x थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, नंबर भी लिखना है सब, तो AP है 3x माइनस 1, BC है 5x माइनस 3, BP है 2x प्लस 1, और बेटा PD है 6x माइनस 5। तो हमें BD का लेंथ निकालना है, तो BD का लेंथ निकालने के लिए इन दोनों का सम करना होगा और उसके लिए x की वैल्यू चाहिए। तो बेटा अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को अगर थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपका अल्टरनेट से बराबर है, और ये एंगल जैसे ये पर्टिकुलर पोजिट है इसके बराबर है, और तीसरा अपने आप तो बराबर होगा ही, तो हम क्या कर दें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर कर देते हैं। तो सिंगल डैश के सामने 2x प्लस 1, नीचे वाले त्रिभुज में सिंगल डैश के सामने 6x माइनस 5, ऊपर वाले त्रिभुज में डबल डैश के सामने 3x माइनस 1, नीचे वाले त्रिभुज में डबल डैश के सामने 5x माइनस 3, ठीक है ना। या तो सॉल्व करो या तो देखो थोड़ा हिट एंड ट्रायल हो, तो एक दो से अगर तीन से मिल जाए, एक रखेंगे तो 3 1 3/1 आएगा, 2/2 आएगा, नहीं 2 रखेंगे 5, 12 माइनस 5 7, 5/7 2 रखा 6 माइनस 1 नहीं हो रहा, 6 माइनस 1 5, 2 2 4 5 ही तो हो रहा है यार, 5/7 हो रहा है, और यहाँ पे 5/7 हो रहा है, हो गया x बराबर 2। हिट एंड ट्रायल से x बराबर 2 बाय हीट एंड ट्रायल, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है वैल्यू, बाय हीट एंड ट्रायल x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। देखो एक दो तीन पे अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब पूरा काम करो, ठीक है ना, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक वगैरह हल करना बेटा। अब हमें पूरा लेंथ क्या निकाल लेना है, इन दोनों का सम, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस 6x माइनस 5, यानी कि 8x माइनस 4, यानी कि 8 गुणे 2 माइनस 4, 8 दुनी 16, 16 माइनस 4 12, 16 माइनस 4 12, सिमिलैरिटी। चलें आगे, चेक करो अगला, चला
मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम दिया है, लेंथ 1.4 मीटर, एक्सटर्नल रेडियस इतना, देन थिकनेस। तो देखते हैं थिकनेस ऑफ मटेरियल का वॉल्यूम दे रखा है। तो बेटा अगर कुछ ऐसा अगर हम लोग सोचें ठीक है ना, गड़बड़ बन गया ना, तो थिकनेस कितना आएगा, आर टू माइनस आर वन। वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक सिलेंडर इफ इट्स लेंथ 1.4 मीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस यानी आर टू बराबर कितना है, नौ, नौ माइनस आर ही कर लेते हैं, नौ माइनस आर कर लेते हैं, आर वन की जगह आर रख दिया ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, थिकनेस। तो थिकनेस के लिए हमें क्या करना होगा, नाइन माइनस आर निकालना होगा। थिकनेस यही है, थिकनेस टी, एटी निकालना है हमें। नहीं तो बेटा ये जो मटेरियल का वॉल्यूम है ये कितना होगा, ये जो मटेरियल का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच दोनों में कॉमन होगा तो वो वही होगा, नाइन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर नाइन स्क्वायर इंटू एच लिख देता हूँ पहले पूरा, और माइनस पाई आर स्क्वायर, आर वन की जगह आर रख दिया है, आर स्क्वायर एच, एच कितना है फिर से 1.4, और ये कितना दिया है बेटा 7480 ठीक है ना। पाई को 22/7 ले लेना है, तो 22/7 करूँगा तो ये दो बार कटेगा, 4.4 इंटू 981 माइनस 22/7, तो 4.4 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7480। आप चाहें तो एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं, 11 से काटें, 8 4 12, 8 7 15, 15 हाँ 11 से कट जाएगा, तो ये 11 से 4 बार, अभी हम उधर जीरो लगा देंगे, ये 11 से 4 बार, और ये 11 छंग 11 बटे 0, एक जीरो और लगा देता हूँ ताकि यहाँ का पॉइंट बैलेंस हो जाए। फिर 4 कॉमन आ रहा है, 4 से काट देते हैं, 4 1 कम 4, 4 7 28 ठीक है ना। तो ये 81 माइनस का आर स्क्वायर और ये बराबर 1700 है, तो ये निगेटिव क्यों आने लगा, मेटेलिक तो बार चेक करिए। वहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, ओ ओ 1.4 मीटर है, 1.4 क्या है मीटर है, तो वो 140 लिखना होगा। तो क्या लिखना होगा, 140 लिखना होगा, यूनिट का ध्यान देना है। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, पाई इंटू नाइन स्क्वायर, और इसको 140 सेंटीमीटर लिख देते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू 140 बराबर कितना, 7480 ठीक है ना। ऊपर वाला हटा देता हूँ क्योंकि वो सेंटीमीटर में था, बाकी सब सही है। तो 22/7, 22/7 44, 440 इंटू नाइन स्क्वायर माइनस 440 इंटू आर स्क्वायर बराबर 7480। 10 कॉमन करके हटा देते हैं, 11 से 4 बार, 11 से 4 बार, 11 से 6 और 8 बार, फिर 4 कॉमन आ रहा है, 4 1 कम 4, 4 7 28, तो ये बन जाएगा 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बन रहा है, 81 माइनस 17, तो आर स्क्वायर बराबर बन रहा है तो 4 और 6, यानी आर बराबर कितना बन रहा है, 8। ठीक है, एक जीरो काट दिया।
अब देखो जीरो का कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, 7480, 10 तो कॉमन नहीं आ रहा है, 1.4 था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 140 हुआ, 140 हुआ ठीक है। इधर और चेक करो, 0.8 आ रहा है क्या? ठीक है, वो आर बराबर ठीक है। अब हमें क्या निकाल लेना है, थिकनेस निकाल लेना है। आर बराबर ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। थिकनेस हमारा यहाँ पे है, तो थिकनेस क्या हो जाएगा, 9 - 8 यानी 1 सेंटीमीटर, कंफ्यूज करा रहा था। ऑप्शन नंबर ए, एवरीथिंग इज ओके। देख लीजिए, नेक्स्ट चला जाए। ये क्या बन रहा है बेटा, 2x का होल क्यूब बन रहा है और ये 3y का होल क्यूब बन रहा है, और नीचे क्या है बेटा, डिवाइड में 2x - 3y, और ये बराबर ax² + bxy + cy² बेटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 4x², और फिर माइनस है तो प्लस, और दोनों का प्रोडक्ट 2x और 3y, और फिर 3y² - 9y² ठीक है ओके। और ए इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, ax² + bxy + cy² ठीक। तो डिनोमिनेटर में इसके क्या है, 2x - 3y, ये तो कटना ही है, तो थोड़ा सा रीअरेंज करो तो 4x² 6xy + 9y² इज इक्वल टू ax² + bxy + cy² अब बेटा हम लोग अगर चेक करें तो दोनों साइड दोनों बराबर है, तो कोफिशियंट को बस कंपेयर करा लो। कोफिशियंट को कंपेयर कराएंगे तो a बराबर 4 है, b बराबर 6 है और c बराबर 9 है, ये हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है, 2 into a 2 into 4 + b 6 - c यानी 9। 4 × 8 = 14, ओके बच्चों 5 इज द आंसर। नेक्स्ट वाला चला जाए, देख लो नेक्स्ट पर बात करें। सब साइन थीटा कॉस थीटा में लाओ, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो 1/cos² θ प्लस 1/sin² θ, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, वो भी स्क्वायर रूट में है, तो सबको स्क्वायर रूट में ले लो। तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे, sin/cos, और -sin²θ ठीक। इसको सिंप्लीफाई करें तो sin²θ + cos²θ / sin²θ cos²θ मल्टीप्लाई sin²θ - sin²θ × cos²θ, ये ऊपर हो गया और नीचे क्या है, cos²θ ठीक है ना, इतना हो गया। अब बेटा ये तो 1 हो जाएगा, और sin²θ कॉमन कर लें, हाँ sin²θ कॉमन कर लो, 1 - cos²θ नीचे है, sin²θ cos²θ cos²θ ठीक है, ये स्क्वायर रूट लगा रहने दो, एक sin²θ कट गया। बेटा ये बताओ 1 - cos²θ तो आपका sin²θ हो जाएगा, ये क्या बना लेंगे, इसको 1 - cos²θ का sin²θ
नीचे क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। अब बेटा स्क्वायर रूट अगर हटाएं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, यानी ये टेन थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं इसमें, बोलो, अगर हमें ऑप्शन को सेटिस्फाई कराना है तो और क्या किया जा सकता है। सेक तो आ रहा है, मिस तो नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा कुछ बाहर मिस, बाहर तो नहीं मिस हुआ है, बाहर देखो कुछ मिस हुए हैं, दोनों स्क्वायर रूट में था तो दोनों के एक में लिए थे। अच्छा सब सही है भैया, सब सही है, उसको कॉस स्क्वायर थीटा करना था, हम कह रहे कि टेन थीटा में हम ले आए ऑप्शन, सब सही है, ये जो फाइनल है ना वो लिखना है सही से, ठीक है ना, जो फाइनल है देखो वो सही से लिखना है। अब ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं देखो, तो अब ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आप साइन थीटा रहने दो, टेन थीटा ना बनाओ और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा कर लो, और ये साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कर लो ऑप्शन मैच कराने के लिए, हमको ज़्यादा ही कर गए। ओके ऑप्शन नंबर बी कर लो भैया, जबकि सब कुछ सही था। चलें आगे, नेक्स्ट वाला बात करें, एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 80। ओ ओ चलो भैया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तो इन 13 नंबर का एवरेज 80 दिया हुआ है, तो 80 गुणे 13 कर लेंगे तो हमें इनका सम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 13 बटे 104 1040, ये सम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये 13 नंबर का जो सम है वो मिल गया हमें 104। अब आगे क्या कह रहा है समझने के लिए, एवरेज ऑफ द फर्स्ट फाइव नंबर 74.5 है, 3 और 2 इनका एवरेज दे दिया है 74.5, इंटू 5 करके सम निकाल लेते हैं, 5 पचे 25 पाँच चौके 20 22 दो 5 सत्तर 35 36 37। ठीक आगे, एंड देयर आर द नेक्स्ट फाइव नंबर 3 2 5, नेक्स्ट फाइव नंबर का 82.5 है, इंटू 5 करके सम निकालो, 5 पचे 25 5 दस 2 12 1 5 अठे 40 41। इलेवेंथ नंबर 18 ज़्यादा है 12th नंबर से, 12th नंबर 6 कम है 13th नंबर से, तो एवरेज ऑफ द 11th एंड 13, बहुत बढ़िया। तो ये 11th का 12th से 12th का, तो 12th नंबर हम क्या मान ले, x मान ले, 11 12 इसको x कर ले, इसको हम क्या कर ले, x कर लेते हैं 12th नंबर, तो कह रहे 11th 18 ज़्यादा है किससे, 12th से, और 12th जो है 12 12th जो है 6 कम है,
से, तो 13 जो है 6 ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये 18 ज़्यादा है इससे और ये 6 कम है इससे, ठीक है। तो अगर हम 1040 में से इन दोनों का सम हटा देंगे तो जो बचेगा वो इन्हीं तीनों का सम होगा। तो इन दोनों का सम कर लो भैया, 5 5 10 1, 2 2 4 1 5, और फिर क्या कर लोगे, 7 1 8 और 4 3 7, 785 उसमें से हटाना है, 1040 में से 785 हटाना है। 5 हो गया और ये 5 हो गया, और हाँ 5 हो गया, ठीक है ना, और ये 7 2 9, 255। तो यानी इन तीनों का सम 255 होना चाहिए, इन तीनों का सम। तो हम 3x+24 कर ले, और ये कितना हो जाएगा, 255। इन तीनों का सम किया बेटा ये, ठीक है ना। तो 24 उधर ले जाओ, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 24 -5 -4 1 और 5 -2 3, 231। तो x बराबर 3 7 21, 3 7 21, x बराबर 77 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, 11th और 13th नंबर का एवरेज बताना है, 11th और 13th नंबर का। तो इनका सम अगर हम करें तो x+18 + x+6 है, और डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी कि 2x+24 करना है, बटे में 2, यानी कि x+12 निकालना है, यानी कि 77+12 करना है, यानी कि 7 2 9 है और 7 1 8 89। अब कहाँ गड़बड़ी हो गई भाई, देखो तो सेवन एट्टी फाइव ठीक है, ये भी सही है, 75 ये भी सही है, और 1040 ये भी सही है, और इसमें से ले जाके 24 तो माइनस ही करना होगा, और डिवाइडेड बाई आपका 3x आ ही रहा है, और 11th और 13th का है ना, तो 2x+24 हो ही रहा है, तो x+12, कहीं गड़बड़ी हुई हो तो देखो भैया, सब कुछ कैलकुलेशन ठीक लग रहा है, 11th और 13th नंबर। एक बार देखें तो 11th is 18 more than 12th एंड 12th is 6 less than 13, 6 less है, 3x, 18 और 6 एवरेज ऑफ द 11th एंड 13। कहीं मिस्टेक हो तो बताओ भाई, हमें तो नहीं लग रहा है कहीं। हिंदी में देखें एक बार, 11वीं संख्या 12वीं से 18 देखें, और 12वीं जो है 13वीं से 6 कम है, 12वीं को एक्स मानी है, तो 1040 785 माइनस किए तो ये 5 आ रहा है, ठीक है, और 5 के बाद ये 13, ये 5 आ रहा है, और ये 2 255 सही है, और ये इन्हीं का सम बचेगा, तो x x x 3x हुआ, 18 और 6 जोड़ा तो 24 हुआ, उधर गया 24 माइनस हुआ, 5 -4 1 हुआ, 5 -4 1 हुआ, 25 में 2 हटाए 23 हुआ, 3x बराबर। तो x बराबर निकालेंगे तो 3 7 21, 3 7 21 77 होगा, और 11th नंबर और 13th नंबर का एवरेज बताना है, तो x+18 और x+6 किया और बटे में 2 किया, तो 2x+24 हुआ, तो x+12 कर देना, 77 और 12 89, 7 2 9, 7 1 8 89 ही आ रहा है भाई, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इनका नंबर आ रहा है, अगर मैं यहाँ 77 रख दूँ तो 8 7 15, 7 1 8 9, 95 आ रहा है।
क्यों बच्चों, क्या लग रहा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है? मैं तो दो बार चेक कर चुका हूँ, एक बार और चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है ना? मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही है, तो यहाँ से अगर हम लोग चेक कर लें एक बार और, 745, 372.5 है, 825, ये भी पांच संख्याओं का है, तो 412.5 है, तो 37, 25 और ये 41, 12 की है, तो 372.5 को जोड़ा है, 412.5, 785 -1040, 255, सही है भाई, सब कुछ सही है, कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक है बच्चों, कहीं मिस्टेक नहीं है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन में यह तो गड़बड़ी है, क्योंकि जैसा कहा गया है वैसा किया गया है। देखो ये 10 के बाद 11वां नंबर ही है, 12वां नंबर ही है, 13वां नंबर ही है, बस साफ साफ लिखा है 11वां नंबर को 8 ज़्यादा होना 12वें से, तो 18 ज़्यादा होना है 12वें से, और 12वें को 6 कम होना है 13वें से, इसको 6 कम होना है इससे, तो 13वां 6 ज़्यादा होगा 12वें से, बस सही है, ठीक है ना? अगर हमको ज़बरदस्ती करना है तो इसको एक्स माइनस सिक्स अगर करें तो ये 12 आना चाहिए, तो 12 माइनस करके ज़बरदस्ती अगर करना है, अगर आंसर निकालना है, तो 12 माइनस किए उधर, देखते हैं 255 में से 12 माइनस कर दें तो 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 243 हो जाएगा, 3 बटे 24, 3 81 हो जाएगा, फिर 81 और 12, तब तो 93 आएगा, तब भी नहीं ऑप्शन में। भाई भाई हमें बताइए कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं, अगर होगा तो करेक्ट करिएगा, आई डोंट थिंक सो कि कुछ गलत है। एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव एंड देट ऑफ द नेक्स्ट फाइव, 11th इज 18 मोर देन 12, 12th इज 6 लेस देन 13, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 11th एंड 13th, 11th एंड 13, 8 6 14 24, बार बार मैं चेक कर रहा हूँ भैया, 74.5, 82.5 जोड़ दिया, ऐसे भी हम जो लोग जोड़ कर कर सकते हैं इसको, 75 और 82, 75 8 7 15, 150, 153, एक्स बराबर अगर 81 आ रहा है तो एक्स अगर हम 13वां मानी है, अगर हम एक्स बराबर 81 करें तो 81 नहीं बन रहा है वो, 321, 321, भैया देखो कहीं तो गड़बड़ी नहीं है यार, कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, कई बार क्रॉस चेक कर लिया, क्योंकि ऑप्शन तो मैच कराना है कैसे भी, नहीं होगा तो हम अल्टीमेटली इसको रॉन्ग बोलेंगे ऑप्शन, अभी देख लेते हैं। अगर मैं चलो ऐसे भी कर लूँ, 13वें को अगर एक्स कर लूँ, इसको भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 13वें को अगर मैं एक्स कर लूँ तो 13वां एक्स हो गया, तो ये एक्स माइनस सिक्स हो गया, और ये 18 जोड़ दिया तो एक्स प्लस 12 हो गया, तो 3x + 6 = 255, तो 3x = 249, तो x = 3/24 और 3 3 9, तब आपका इसका आ जाएगा इन सब का 2x + 12 यानी कि x + 6, तब भी 89 आ रहा है, कैसे भी कर लो भैया, हमको तो नहीं लग रहा कुछ मिस्टेक, अगर होगा तो कमेंट में बताइएगा हमें, अगर इसका आंसर में कुछ गड़बड़ी होगी तो हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम हर तरह से चेक कर चुके हैं, ऑप्शन कहीं मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना? हम एक्स एक्स माइनस सिक्स और एक्स 18 बढ़ाकर एक्स प्लस 12 भी कर चुके हैं, ठीक है ना, 18 बढ़ाकर एक्स प्लस 12, अगर हम 13वें को भी एक्स मान के चलते हैं, तो एक बार हमने आपको बता दिया यहाँ पे कि अगर हम इसको एक्स मान के चलते हैं 13वें को, तो 6 कम कर दिया, फिर 18 बढ़ा दिया तो एक्स प्लस 12 हो गया, यानी तीनों का सम देखेंगे तो 3x + 6 हो जाएगा, और वही आपका 255 आना चाहिए, बाकी जो सम है 255, तो ये 3x = हो जाना चाहिए 249,
यानी कि x बराबर हो जाना चाहिए कितना, 3/24, 3 3 9 83। अब इन्हीं दोनों का एवरेज बताना है, तो 2x+12 हो रहा है, तो x+6 हो जाएगा 2 से डिवाइड करके, तो 6 तो 89 ही आ रहा है। हाँ ठीक है ना, ओके सब सही है भैया, हम ऑप्शन को बस देख रहे हैं कि कहीं हम आपको गलत दे कर ना जाएँ, उसको चेक कर रहे थे। तो बाकी अगर मेरी तरफ से कोई गलती होगी, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। अगर सही होगा आपकी तरफ से भी तो आप बताइएगा कि सर सही है, अगर कुछ सजेशन है इसमें तो बताइएगा, ठीक है ना। ये एवरेज, ठीक है बच्चों, चले आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, पाइप ए जो है फिल, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर एंड 2 आवर्स रेस्पेक्टिवली, ए और बी 1 आवर एंड 2 आवर रेस्पेक्टिवली, आवर में लेके चलते हैं अभी। एंड सी इम्पटी द टैंक इन 1 आवर, एंड सी जो है इम्पटी है 1 आवर, ठीक है ना। ए एंड सी टर्न ऑन एट 9 AM आफ्टर 2 आवर्स ओनली ए इज क्लोज एंड बी इज टर्न ऑन व्हेन द टैंक विल बी इम्पटीड। तो टोटल कैपेसिटी 2 मान लिए, ठीक है ना, और इफिशेंसी ले ली, 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो पहले क्या है, 9 PM पर कहाँ गया, 1 आवर 15 मिनट। भैया सबको फिर मिनट में लेकर चलना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, सबको क्या करना होगा, मिनट में लेकर चलना होगा। तो ये पाइप ए का है, पाइप बी का है, और ये पाइप सी जो इम्पटी करने वाला है। या तो एक काम करो ना, उसको होल नंबर में लेकर चलो 1 आवर 15 मिनट को। तो ये कितना दिया है, 1 आवर, और ये 2 आवर दिया है। तो 1 आवर 15 मिनट को 15 चौका 60 कर लो, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 5/4 घंटा। तो 5/4 घंटा, और एलसीएम करेंगे इसका तो 10 आ जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये पर आवर का हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए एंड सी टर्न ऑन एट 9 AM, ए एंड सी, तो ए और सी 1 मिनट में 2 भरते हैं क्योंकि सी खाली कर रहा है, 9 बजे इनको खोल दिया गया, 2 घंटे तक ये भरे हैं। तो 2 घंटे में कितना भर लेंगे, 2 × 2 = 4 कैपेसिटी भर लेंगे। आफ्टर 2 आवर्स ओनली ए इज क्लोज्ड, ओनली ए इज क्लोज्ड, बी इज टर्न ऑन। तो 2 घंटे के बाद अभी कितना बचा है, 6 बचा है। तो ए को बंद करके सी को, बी को ऑन कर दिया गया, टैंक टैंक कितने समय में इम्पटी हो जाएगा। तो बेटा देखो, तो जो भरा है वही खाली होगा, बस ये ध्यान रखना। तो इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं, भरा कितना है, 4 भरा है। तो अब ये दोनों अगर काम करेंगे तो हर घंटे कितना खाली होगा, 3 खाली होगा, हर घंटे 3 खाली होगा। तो 4 खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 4/3 घंटा, यानी कि 1/3 घंटा, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो बेटा ये बताओ, 9 बजे में 2 घंटा जोड़ो, 11 बजा, अभी 11 बजे में 1 घंटा और जोड़ दो, 12 बजा, 12:20 पे कितना हो जाएगा, 12:20 PM। 9 बजे में 2 घंटा जोड़ा, 11 बजा, 2 घंटा, और 2 घंटे में 9 तो 11 में और जोड़ा तो 12:20, ठीक है ना, 12:20 PM, क्लियर है, आगे चल। नेक्स्ट वाला काम करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये एक काम करो ना, साइन प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको हम लोग थोड़ा सा रीराइट करें, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या कर दें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहने दो और माइनस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 कर रहे हैं, नीचे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऊपर ए ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे भी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा
प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। तो ऊपर वाला ब्रेक करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू साइन थीटा, प्लस वन प्लस टू साइन थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉपी किया अपॉन में ले जाओ, इसको ब्रेक करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का वन। बेटा अगर हम देखें तो नीचे वाले में ये तो वन हो जाएगा, इसको तो वन रखो, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा सा चालाकी करो, ऊपर वाले में थोड़ा चालाकी करो, इस वन की जगह रख दो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रख दिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा वन प्लस, और ये देखो ये वन और वन कट जाएगा, नीचे टू साइन थीटा कॉस थीटा, देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है बेटा, तो ऊपर हो जाएगा टू साइन थीटा प्लस टू और नीचे हो जाएगा टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मैच कराना है ना। अच्छा प्लस माइनस दिया तो है ठीक, तो टू से ऊपर नीचे कट जाएगा और ब्रेक कर दो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऑप्शन नंबर सी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा या टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ना। चालाकी वाला काम करवा दिया है, चलें आगे नेक्स्ट वाला। टू जीरो सेवन फोर एक्स फोर वाई स्क्वायर, ठीक है डिविजिबल बाई 88, तो 88 के 88 को फैक्टर अगर करेंगे तो 11 है ही और 8 है, और 8 के अंदर 2 भी है 4 भी है, ठीक है ना। अब देखो तो 2 से कटना चाहिए तो 8 से कटना चाहिए, हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, पहले एग्जाम करो 11 को सेटिस्फाई करो, तो 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट का सम देखो कि हमारा 2 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये, और फिर ये होना चाहिए 4 4 8, इसका ये जो डिफरेंस है ये 11 से कटना चाहिए, तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, नहीं 9 3 12 7 2 9, ये बताओ ये तो 9 हो ही रहा है, तो 9 माइनस 8 एक प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, हिट एंड ट्रायल 9 3 12 12 13 नहीं होगा, 9 3 12 2 7 x और y स्क्वायर, ऐसा तो नहीं है वो y स्क्वायर नहीं है, वो इंटू टू है, y स्क्वायर थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है हमको, टू ही होना चाहिए, हाँ वो y स्क्वायर थोड़ा अजीब सा लग रहा है हमें, ऐसा तो नहीं y के बाद टू है भैया, क्योंकि देखो ना अजीबोगरीब सिचुएशन बन रही है, 9 9 3 12 13 नहीं बन रहा है, 22 अगर बनाना हो तो 4 4 4 16 16 और 6 22, फिर एक का क्या करेंगे भैया, मुझे लग रहा है वहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना। चलो आप चेक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर नहीं लग रहा है हमें, एक बार इसको ऐसे करके देख लेते हैं, 2 0 7 4 x 4 y 2, और 88 के अंदर आपका 11 भी है और 8 भी, और 8 के फैक्टर में 2 भी और 4 भी, 2 से तो कट ही रहा है, ठीक है ना। अब देखो 2 से कटेगा यार, ठीक, तो 11 से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम, तो यहाँ से हो जाएगा 7 2 9 9 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर हीट एंड ट्रायल देख लेंगे हम लोग, 4 4 8 8 2 10,
तो ये x प्लस वाई माइनस टेन हो रहा, माइनस वन हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम x की वैल्यू देखो 11 करवा लेते हैं, जीरो तो पॉसिबल नहीं है, अगर हम हिट एंड ट्रायल से कर लें, बाकी हम अभी 8 के लिए चेक कर लेंगे, बाई पुटिंग x बराबर 3 एंड y बराबर 9, तो 3 और 9 12 माइनस 1 11 जो भी कट रहा है, तो x बराबर 3 और y बराबर 9 लेके चलो, ये वाला ये वैल्यू लेकर चलो। अब देखो इसको अगर यहाँ रखोगे, अगर y बराबर 9 रखोगे तो 92, लास्ट थ्री डिजिट अगर देखो 92 दो जो है 4 से कट रहा है, और 492 आठ चंग 48, आठ चौके 32, ये भी कट रहा है, हो गया, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, यहाँ x बराबर 3 और y बराबर 9, यहाँ इसका मतलब ये थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, दो क्वेश्चन में यार फंसे, ये क्या करना होगा, 2074x4y2 करना होगा, ठीक है ना। अब हम अपना आंसर बता लें भैया, ये हो जाएगा 4 × x + 3 × y, तो 4 × 3 = 12, 9 × 3 = 27, 7 × 2 = 9 और 2 × 1 = 39, ले 7 × 2 = 3 4 × 3 = 12 9 × 3 = 27 39 49। इसका मतलब नौ, अगर हम 3 का स्क्वायर 9 करते हैं, अगर 3 y बराबर अगर 3 देते हैं, 3 का स्क्वायर अगर 9 भी करते हैं, तो ये 2 से कटेगा ही नहीं, जबकि 2 से कटना ज़रूरी है, लास्ट में 2 होना ज़रूरी है, 4x + 3y करना है, तो x की जगह क्या करना है, ये उल्टा तो नहीं रख दिया हमने। अच्छा आंसर मैच करा लें, तो ज़रूरी नहीं है कि x बराबर, हाँ आंसर मैच हो जाएगा, एक काम करो ना, x बराबर 9 करो, अब देखो हिट एंड ट्रायल, अब ये नहीं होगा, समझ गए, अब ये ना करके अब क्या कहो, x बराबर 9 करो, y बराबर 3 करो, भैया ऑप्शन मैच कराना है ना, अब क्या कर लो, अब 4 × x कर लो प्लस 3 × y कर लो, तो 9 × 4 = 36 और 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 15 = 45, अब आंसर मैच कर गया। वाई की जगह 3 लाना पड़ेगा, तब भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, तब ये भी हो रहा है, ठीक है, खतरनाक है, है? खतरनाक प्राणी वाला है। चलो अगला वाला चेक करें हम लोग, अब क्या कह रहे हैं, x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 21 - x, 22 - x, 60 - x, 64 - x, तो ये जो है आपके प्रपोर्शन में हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट 21 × x 64 - x बराबर करना होगा मीन के प्रोडक्ट है 22 - x और 60 - x। अब आपके पास दो तरीके हैं भैया, या तो इनको सिंप्लीफाई करो, या हिट एंड ट्रायल से प्रोडक्ट को बराबर करा लो, या पहले 2 का रेशियो और बाद के 2 के रेशियो को बराबर करा लो, तो इतना छोटा नहीं है, इनको प्रोडक्ट करो और एक्स की वैल्यू निकालो क्वाड्रेटिक बना के, लंबा कैलकुलेशन है, 5 अगर इनका प्रोडक्ट बराबर करना है, या पहले 2 का रेशियो और अंतिम 2 का रेशियो बराबर करना है, ऐसे कहो पहले 2 का रेशियो और अंतिम 2 का रेशियो बराबर करो, तो क्योंकि प्रपोर्शन में ये प्रॉपर्टी होती है, 5 अगर करे तो 5 यहाँ किया तो 16 नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, 5 6 6 से 15 6 से 16 6 से भी नहीं बन रहा, 8 से थोड़ा फीलिंग आ रही है, 8 अगर इसमें माइनस करो, 21 - 8 कर रहे हैं तो 13 हो रहा है, और 22 - 8 कर रहे हैं तो 14 हो रहा है, 13 14 का रेशियो आ रहा है, यहाँ देखो तो 60 - 8 करो कितना आ रहा है बेटा, 52 आ रहा है, और 14 - 8 करो 56 आ रहा है, 13 × 52 = 56, तो हो गया, यानी कि हीट एंड ट्रायल से हम कहेंगे कि x = 8 है,
ठीक है, हीट एंड ट्रायल से एक्स बराबर कितना आ गया, 8। पहले दो का रेशियो और अंतिम दो का रेशियो बराबर कर लिया गया, ठीक है ना। अब क्या कर लो आप, अब क्या कर लो, तो हमें इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी 8 प्लस 1 8 प्लस 1। हमेशा मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, और 7 × 8 + 1 का स्क्वायर रूट। अच्छा 8 है, 7 × 8 तो 8 × 1 = 9, और 7 × 8 = 56, 8 × 6 = 64 का स्क्वायर रूट। तो मीन प्रोपोर्शन आपका कितना आ जाएगा, 3 × 8, 8 × 3 = 24। खतरनाक, इस बार थोड़ा क्वेश्चन खतरनाक आए हैं भैया आपके एसटी में। हमारी पूरी कोशिश रहती है बेटा आप लोग के साथ, जैसे आप लोग सोचते हो लाइव में एसटी करते हो, तो वैसे ही यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम भी आप ही लोगों की तरह हल करें, ठीक है ना। पहले से करके आएंगे तो सब कुछ तो मालूम ही रहेगा, कोशिश यही रहती है हमारी। चलिए फिर स्टार नहीं बन जाएंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या दिया, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होता है, ए बी सी डी। आमने सामने तो कोणों का योग 180 होता है, जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। डायगोनल पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट पी है, सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है ना। ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी चलो बराबर कर लिया। डी बी सी 70 है, डी बी सी ये 70 डिग्री है, और क्या है भाई, बी ए सी 30 है, बी ए सी ये 30 है। तो हमें पी सी डी निकालना है, पी सी डी, पी सी डी ये एक्स। बच्चा हमें ये बताइए, ये पूरा त्रिभुज है, पूरा है ना त्रिभुज, बोलो। तो बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होंगे, तो इसके सामने अगर 30 है तो इसके भी सामने यहाँ पे क्या होगा, 30 होगा, ठीक है ना। ओके और आ जाओ, पी सी डी, पी सी डी ये 70 है, 70 को भी यूज कर पाएंगे क्या, आमने सामने कोणों का 180 डिग्री होता है, वहाँ का वो नहीं मालूम है, ये 70 है, 70 को यूटिलाइज करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ये वाला एंगल मिलेगा। हाँ अगर ये 30 है और ये ट्राई करो बच्चों, तो अगर ये 30 है ये सी हमारा 30 था, ठीक है ना, और डी ए बी को देखें, अरे भैया 100, अच्छा हाँ सही तो है यार, 180 नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई एंगल तो मिसिंग नहीं है ना, 70 है और 30 है, बी ए सी 30 है और डी बी सी, डी बी और सी। तो बेटा ये बताओ, सेम सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अब उसी पे चलना होगा, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये 70 है, तो ये अगर 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा, और आमने सामने कोणों का 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम 7 और 3 = 100 हो गया, 70 और 30, और ये x प्लस 30। तो आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। देख लो भाई x बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। चलें अगला, G is the centroid of the triangle ABC. G is the centroid of the triangle ABC. देखो ये, देखो ये ट्रिपलेट बना रहा है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बेटा, ट्रिपलेट बना रहा है ये, तो ये बड़ा वाला यहाँ होगा 25, और 7 = 24 कहीं भी कर लो, सेंट्रॉइड की बात हो रही है। Then the BG is angle, G is the centroid of the triangle ABC where AB, BC and CA, AB, BC and CA, CA 25 है, तो हम B यहाँ कर लेते हैं भैया, सही है, क्या है AB, AB हमारा 7 होगा, AB हमारा 7 होगा, तो इसको 24 ही रहेंगे।
ए और सी, ठीक है ना। ओके, ए बी हमारा 7 है और बी सी हमारा 24 है, और सी ये तो है ही। आगे क्या लिखा हुआ है, देन द बी जी इज, बी जी जी इज द सेंट्रोइड, तो ये 25 का आधा होगा, नहीं मतलब कहते हैं कि ये, हाँ ये 25 का आधा होगा 12.5, और ये 2:1 होगा वर्टेक्स से भुजा की तरफ, ये जी है, तो भी एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो 12.5/3 कर लो इंटू 1, तो ये 125/30 हो जाएगा, 25/6 हो जाएगा, 6×6=24, 4×6=1/6 cm। प्रॉपर्टी होती है ना, 90 डिग्री से खींचे गए माध्यिका की लंबाई हाइपोटेनस की आधी होती है, ठीक है ना। फिर 2:1 में इसको बांट कर हम बी जी निकाल लिए, जिसका आधा 12.5/3 और इंटू 1 बी जी की लंबाई, अच्छा इंटू 2 करना है, बी जी की लंबाई निकालनी भैया, क्या निकला लिखा है बी जी, तो इंटू 2 करना है, दो रेशियो की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो ये 25/3 होगा, यानी 3/24, 8×1/3 cm, आई एम सॉरी बीजी की लंबाई निकालनी थी, ठीक है। अब ठीक है, 8×1/3, ये हम कह रहे थे गड़बड़ी कहाँ हो गई भाई, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है, प्रत्येक भुजा ए है और इसको रोल करके सिलेंडर बनाया गया, तो सिलेंडर अगर हम बनाएंगे तो ये जो 2π और ये रेडियस r होगा, 2π r ही तो आपका a के बराबर होगा, कोई एक भुजा ही तो रोल होगी ना, ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2π। अब आगे क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द बेस रेडियस टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ द बेस रेडियस a/2π है और स्क्वायर का साइड कितना a है, तो 1:2π, यानी 1/2π हो जाएगा, 1/2π या 1:2π, ठीक है ना। आगे चले नेक्स्ट, अगला वाला ये स्क्वायर रूट निकालना है, 3+√5, पहले 2 की व्यवस्था कर लो, 2 से बाहर डिवाइड करो और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2ab का फॉर्मेट बना सके। अब 6 लाने के लिए हमें क्या करना है, 6 लाने के लिए हमें √5 2+1 2 करना होगा, ताकि इसको हम √5 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, अंदर a² + b² + 2ab, यानी ये बनेगा √2 × √5+1 2, यानी 1/2 है, ये 1/2 है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √5+1/√2, रूट टू को आप डिस्ट्रीब्यूट करके अपना सिंप्लीफाई कर ले तो √5/2 और √1/2, ऑप्शन नंबर डी वाला आ रहा है, देख लीजिए ऑप्शन डी वाला आ रहा है ना। 4 नेक्स्ट वाला चले, अगला क्या दिया है बेटा देखो, तो 2 कैंडिडेट फॉट एन इलेक्शन, 1 got 65% ऑफ द टोटल वोट, अगर टोटल 100 मानते हैं तो अभी सी बात है, दूसरा 35 पाया होगा और कितने बच्चों से जीता है, 30% से, 30% की वैल्यू 300 है और आपको 100% निकाल लेना है, 1000, सभी वोट देने आए हैं और कोई भी इनवैलिड नहीं है इस केस में, जब क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो यही करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला वाला चलते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए बी सी एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा और ये √2x हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है, एंगल भी 90 डिग्री है, और ए बी सी लिख लेते हैं, कह रहा है कि ए सी और
ए बी पर, तो ए सी पर एक राय एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और इस पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, इसकी भी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या, रेशियो ऑफ द एरिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। तो यहाँ से रूट थ्री बाई फोर पहले किसको लेना है, रेशियो ऑफ द ए बी ई, ए टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी और ये ए बी ई बनाया गया है, तो रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर इज टू रूट थ्री बाई फोर रूट टू एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज टू टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये 1:2 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। रेशियो कितना रहा, 1:2 का। चलें अगला वाला, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की खास बात क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं। तो अगर हम प्रत्येक भुजा को ए कर लेते हैं तो 4a = 100 है बेटा, तो ए बराबर 25 हो जाएगा, तो ये वाला अगर हम 25 कर लेते हैं एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल 40 है, तो 40 है तो 20 20 हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या पूछा है, एरिया, तो दूसरा डायगोनल हम निकाल लेंगे बड़े आसानी से, कारण पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला हमारा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर - 20 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 625 में से 400 गया, 225 का स्क्वायर रूट यानी 15, तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, यानी हाफ d1 d2 कर लो, एक डायगोनल 40 है दूसरा डायगोनल 15 15 30 है, तो 3 × 600 cm² देख लो, 600 cm² आ गया, ठीक है। दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है ना, तो ST अच्छी खासी थी, ठीक है, ST जो है अच्छी खासी थी, क्वेश्चन भी ज़बरदस्त थे आज के, इसलिए थोड़ा समय भी लगा, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट ST में हम लोग मिलते हैं, इसी तरह डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बच्चों।